Thank you. Thank you. पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और आपकी अदालत का कि आप लोगों ने मुझे फिर से यहाँ पे 18 साल के बाद आमंत्रित किया है <laughs> और हमारा बहुत पुराना नाता है सो थैंक यू वेरी मच पहली बार है कि मुझको कटघरे में या कोई ऐसी स्थिति के अंदर जहाँ पर मेरे पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं मुझे अच्छा लगता है आना आप पर इल्ज़ाम लगाए इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ आप यश चोपड़ा के फेवरेट रोमांटिक हीरो थे ये रोहित शेट्टी के चक्कर में कैसे फंस गए <laughs> पिछले साल डेढ़ साल के अंदर कुछ दो चार झगड़े किए मैंने तो मुझे ऐसा लगा कि अब थोड़ा एक्शन सीख ही लूँ तो यश जी सिर्फ प्यार मोहब्बत सिखाते हैं लड़कियों को गले लगाना सिखाते थे तो मैं रोहित को गया मैंने कहा यार बहुत झगड़े हो रहे हैं स्टेडियम वेडियम के अंदर थोड़ा सा कुछ सिखा दो मुझको तो इसलिए मैं इनके चक्कर में फंस गया तो रोहित इस फिल्म में भी शाहरुख एक हाथ चलाएंगे और तीस चालीस लोग मर जाएंगे <laughs> नहीं इस फिल्म में जब वो एक हाथ चलाएंगे तो तीस चालीस लोग इनके प्यार में पड़ जाएंगे <laughs> <laughs> मैंने आपकी जितनी फिल्में देखी हैं उनमें एक्शन ये होता है कि लाश हवा में उड़ती है और गिरने के बाद आवाज आती है <laughs> इसमें ऐसा कुछ नहीं है, है एक्शन है बट अलग तरीके का है और गाड़ियां बहुत उड़ती हैं आपकी फिल्मों में <laughs> वो तो आप बच्चों से पूछ लो उनके लिए करता हूं मैं पसंद आती है कि नहीं आप लोगों को चेन्नई एक्सप्रेस में जिस तरह की फिल्में आप बनाते हैं शाहरुख खान को क्यों लिया आपने इन्होंने गलती की बात समझ आती है ऐसा <laughs> <laughs> हुआ कि इन्होंने गलती कर दी इनको पता नहीं चला मैंने ये उनको बताया नहीं कि आपने गलती कर दी <laughs> मैं ट्विटर पर देख रहा था उसमें किसी ने लिखा है कि इस चेन्नई एक्सप्रेस में शाहरुख खान लुंगी पहन के पुंगी बजाएंगे <laughs> सर पापी पेट के लिए जो बजाने को मैं बजा दूंगा <laughs> <laughs> लेकिन सच्ची बात यह है कि एक्चुअली रोहित को भी ये मालूम नहीं था मुझे भी मालूम नहीं था हम दोनों ने एक दूसरे को थोड़ा सा धोखा दे दिया है ये फिल्म अब जब खत्म हो गई है तो मैं गया था इनके पास एक्शन सीखने के लिए और ये मेरे साथ बनाने वाले थे लव स्टोरी तो ऐसी कुछ अजीब सी पिक्चर हो गई है कि जहाँ पे मैंने थोड़ी सी इनको मोहब्बत सिखा दी है और उन्हें थोड़ा सा मुझे एक्शन सिखा दिया है तो हम कहीं पे सेटल हो गए कि थोड़ा थोड़ा प्यार और थोड़ा थोड़ा तकरार और उड़ना उड़ना जो है तो कुछ एक बैलेंस बन चुका है कहीं मैंने इंटरव्यू पढ़ा रोहित ने कहा कि ये करण अर्जुन का एक्शन वापस लाए हैं इस फिल्म में नहीं अर्जुन का तो ले आए हैं करण का पता नहीं तो शाहरुख और रोहित हमारी शुभकामनाएं आपको ये फिल्म सुपर हिट हो जितना जोश यहाँ लोगों में दिख रहा है उतना जोश लोग जाए फिल्म देखें जैसा साहब आपकी इजाज़त हो तो इन पर कुछ इल्जाम नहीं है मेरे पास में कोई कसूर भी नहीं किया है मुलिम तो ये है ये तो मुझे सरकारी गवाह नजर आ रहे <laughs> तो आप इन्हें रिलीज कर सकते हैं अठारह साल बाद किंग खान पर जनता का मुकदमा शुरू होता है आपकी अदालत में पहला इल्जाम शाहरुख खान पर। आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये सफलता के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये क्या हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में जिस दिन आपने कदम रखा था तो मैंने सुना कि उसी दिन आपने तय कर लिया था कि मुझे यहाँ का बादशाह बनना है एक्चुअली <laughs> जब आदमी छोटा होता है उम्र में और ऐसे बड़े बड़े सपने देखता है ख्वाब देखता है तो बचपन के सपने और भी ज़्यादा बड़े होते हैं जब हम समझदार हो जाते हैं तो रियलिटी में आ जाते हैं तो थोड़ा बहुत संभल के सोच समझ कर सपने देखते हैं कि यार थोड़ा सा दाल खरीद लूँ थोड़ी चाय खरीद लूँ थोड़ी सी गाड़ी बड़ी वाली ले लूँ तो बचपन के सपने थे कि बादशाह बनूँ एक्चुअली उससे भी ज़्यादा थे तो इसमें तो कोई गलत बात नहीं है कि अगर सपना बड़ा देखो तो और मैं तो चाहूंगा हर बच्चा को बड़ा सपना है। लेकिन आजकल जब हम अखबारों में खबरें पढ़ते हैं फिल्म वालों के बारे में तो लिखते हैं कि 22 साल हो गए शाहरुख खान को सिंह ने किंग को पीट दिया कोई कहता है कि इडियट ने बादशाह को पीछे छोड़ दिया कोई कहता है बादशाह ने सबको पीछे छोड़ दिया तो अभी भी ये कॉम्पिटिशन है आपके दिल में नहीं मैं तो किसी से करता नहीं मुझे तो ना ज़रूरत है मैं अपने साथ ही लड़ता रहता हूँ अपने साथ ही भागता रहता हूँ अपने साथ ही गिरता पड़ता रहता हूँ लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि हर साल कोई ना कोई ऐसा होता है जो आता है मुझे पिछाड़ने के लिए और फिर अगले साल नया वाला आ जाता है कोई ये नहीं बोलता जो आया था पिछले साल वो खुद पिछड़ गया है <laughs> तो हर साल नया कंपटीशन होता है 20 साल 22 साल हो गए और मैं एक्चुअली यही चीज़ मुझको जो है जज्बा देती रहती है कि और मेहनत करते रहो फ्राइडे को अगर कभी मालूम पड़े थोड़ी वीक पड़ गई है फिल्म तो मंडे को दिमाग में यही आता है सोमवार को यार मेहनत करके थोड़ी बेहतर करेंगे वरना यही कोई टिंग पिंग लिंग आगे निकल जाएंगे और आ, और अगर मंडे को फिल्म जो है मालूम पड़ता है बहुत चल गई है तो फिर मेहनत करनी पड़ती है पिछली वाली से बेहतर बनानी है तो मैं मेहनत करता रहता हूँ बाकी ये जो आप बोल रहे हैं कॉम्पिटिशन ये सब आता रहता है जाता रहता है और आता रहेगा और जाता रहेगा रहे मैं तो यू ही काम करता रहूँगा आपके काम का हिसाब किताब मैं देख रहा था काम करते करते आपकी सात बार सर्जरी हो चुकी है शोल्डर हिला हुआ है नेक टूटा हुआ है बैक फूटा हुआ है घुटनों में चोट है पैरों के अंगूठे हिले हुए हैं और फिर भी मैं देख रहा हूं कई दिन से आप टीवी पर डांस कर रहे हैं नाच रहे हैं फैन से मिल रहे हैं अठारह अठारह घंटे हाँ आप ये सोचिए कि इतना तबीयत नासाज होने के बाद मैं बादशाह हूँ अगर नहीं होती तो क्या होता अभी तो लोग फॉर्चुनेट हैं और सच बात दिल की बात ये है मैं सच बताता हूँ मेरी जब फिल्म बनती है कभी भी तो साल में एक या दो बार मौका मिलता है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ और सबसे पहले मैं शो शुरू करने से पहले हमेशा ये करता हूँ ये मेरी ह्यूमिलिटी नहीं है ये मेरी सच्चाई है दिल की कि जहाँ पर भी मुझे ऐसा मौका मिलता है उन लोगों से मिलने का जिन्होंने मुझे स्टार बनाया है मैं झुककर धन्यवाद करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माय फैमिली माय वाइफ माय चिल्ड्रन फॉर मेकिंग स्टार दट और इतनी शरीर में टूट फूट होने के बावजूद आप काम कर रहे हैं वो पूछते हैं कि इतना जो मुस्कुरा रहे हो वो कौन सा दर्द है जिसको छुपा रहे हो <laughs> मतलब अब तो अब तो छुपता भी नहीं <laughs> कितना भी मुस्कुरा लूँ क्योंकि आदमी मैं पिछले पिछले प्रोग्राम में गया था मैं जो आप टीवी शोज़ कह रहे हैं तो गया था तो हाथ में ऐसा पट्टा बंधा हुआ था यूं करके कितना भी मुस्कुरा लूँ और एक्चुअली एक इंग्लिश में कहावत है कि इट ओनली हर्ट्स वैन आई लाफ नाउ सो इट हर्ट्स मैन आई लाफ और छुपा कुछ नहीं रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है एक ही जिंदगी है कहीं ख़त्म ना हो जाए ये टूट फूट तो रही हैं चीज़ें कहीं ऐसे ही पूरा ही ना एकदम टूट जाऊँ तो उससे पहले जितना कर सकूँ उतना कर लूँ क्योंकि मुझे जो ज़िंदगी में मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है तो थोड़ा कर्ज सा हो गया है मुझ पर तो वो कर्ज निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों को खुश कर सूँगा अब टूटी फूटी हड्डी वड्डी और अब तो साइंस बहुत तरक्की कर गई है मतलब अच्छा खासा ऐसा कुछ टाइटेनियम वाइटेनियम लगा लिया पहले तो मैं आपको सच बताना चाहता हूँ आप जान लें जब मैं आठ दस साल पहले डांस करना शुरू करता था तो दो लेफ्ट फीट से मेरे बिल्कुल नहीं होता था कोई ऐसा तड़क धुड़म तड़क धुड़म ये दो चार ऑपरेशन हुए घुटने के एक गर्दन का हुआ तो ऐसा वन टू थ्री फोर डांस भी थोड़ा बेटर करने लग गया हूँ मैं <laughs> तो फ़ायदा ही हो मुझे लगता है कुछ रिपेयर कर दिया उन लोगों ने मुझको ये सच है कि चेन्नई एक्सप्रेस में बहुत स्टंट किया आपने और डबल का इस्तेमाल नहीं किया हाँ ये एक्चुअली रोहित की चाह थी दिसंबर में मुझे चोट लग चुकी थी और हमने कोटेजॉन इंजेक्शन लिए कि अगर हम शूटिंग रोक लेते तो फिल्म जो है डेढ़ साल तक रुक जाती डेट्स की वजह से तो रोहित को मालूम था और रोहित ने बहुत ऐसा बोला कि मैं इतना अच्छा डिज़ाइन करूँगा और इतने प्यार से किया जैसे एकदम माँ करती है मैं इतने प्यार से करूँगा कि आपको चोट भी लगी हुई है उसके बजाय भी कोई डबल नहीं होगा इसके अंदर कोई तार का काम नहीं होगा और आपको खुशी होगी क्योंकि उसे मेरी नेचर मालूम है कि मैं चाहता हूँ मैं खुद करूँ और सारा स्टंट मैंने खुद किया है सिवा एक दो गाड़ियों का जो शॉट है और और बिल्कुल चोट नहीं लगी और थोड़ा मैं इस बार लग भी रहा हूँ थोड़ा सा मैनली ऐसा रोहित ने मुझे किया है कि मैं एकदम सिर्फ लबर बॉय नहीं लग रहा हूँ थोड़ा फाइटर बॉय भी लग रहा हूँ ऐसा सॉलिड लग रहा हूँ ऐसा दिल्ली वाला लग रहा हूं थोड़ा सा <laughs> लेकिन ये अन्याय नहीं अपने साथ के डॉन टू के वक्त पर ये शोल्डर की इंजरी शुरू हुई थी रावण कर रहे थे तब भी इंजरी जारी थी ये पूरी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस आपने की है खतरा हो सकता है नहीं मैंने जब डॉक्टर से पूछा उन्होंने कहा कि ये जो है ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा तो ये टूट गया है और इसका ऑपरेशन करना जरूरी है जैसे ही उन्होंने ये बोला तो मैंने कहा ये तो अच्छा है कि अब तो करना ही है तो पूरा ही टूट जाए इतना टूटा ऑपरेशन तो होना ही है <laughs> तो आई से डोके वील जस्ट डू इट कि जिस दिन टूट जाएगा तो उन्होंने कहा बहत्तर घंटे हैं तुम्हारे पास फ़ोन करके आ जाना तो हम वाई में शूट कर रहे थे जहाँ से गाड़ी का ड्राइव ढाई तीन घंटे था हेलीकॉप्टर तीस मिनट का तो मैंने वो कैलकुलेट किया था और सब स्टैंड बाय पे थे अगर टूटा तो पहुँच जाऊँगा क्योंकि एक ही बार खोलना पड़े बार बार उसको करते रहो तो ऐसा क्यों ऐसा नहीं होता वो थोड़ी सी शर्ट फट जाती है तो अब कहते तो पूरी फट जाए यार फिर सिलवा लेंगे अभी तो फटने दो उसको तो मैं उस लिहाज से करता चला गया आपके कॉलेज के दोस्तों से जब बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि शाहरुख के लिए चोट खाना कोई बड़ी बात नहीं है स्कूल में भी कॉलेज में भी जब ये क्रिकेट खेलते थे हॉकी खेलते थे फुटबॉल खेलते थे तो बहुत चोटें लगती थी हाँ मुझे बहुत चोटें लगी हैं और आ, मेरे एक फुटबॉल के कोच थे सिंह साहब और मुझे अभी भी उनकी आवाज़ याद है मुझको एक बार चोट लग गई और मैंने आ, बहुत तकलीफ हो रही थी तो मैं उनके पास आया और फिर मैंने अच्छा नहीं खेला उस दिन एक्चुअली चोट नहीं लगी थी लेकिन होता है ना सर अच्छा ना खेलो तो सर बहुत दर्द हो रहा था घुटने में सर मैं क्या करूँ सर वो लग रहा था मैं थोड़ा सा मैं तरह तकलीफ था तो उनकी पतली सी आवाज़ थी और वो दी बोलते थे हर बात के साथ तो उन्होंने मुझे बोला यू ब्लेडी दी शाहरुख i know you can play the football even if i cut off both your legs <laughs> <laughs> तो <laughs> तो मेरा ऐसा था लगती रहती थी लेकिन uh, i've always been one मेरा थोड़ा पेन का थ्रेशोल्ड ज्यादा है इमोशनल uh, uh, भी और फिजिकल भी तो मैं काफी चोट खा लेता हूँ लेकिन हंसता रहता हूँ, स्माइल करता रहता हूँ। रियली uh, uh... really? <laughs> तो ये बात ये आपको नहीं समझ आएगी वकील साहब लड़कियाँ इस बात को समझती हैं <laughs> और ये भी सच है कि अगर आपके स्... स्कूल कॉलेज में बैक में चोट नहीं लगती तो आप एक्टर नहीं होते जी हाँ बिल्कुल सच बात है मुझे अभी भी याद है पुरानी दिल्ली में एक डॉक्टर थे डॉक्टर आबिड साहब तो मेरी चोट लोअर बैक में चोट लगी थी फुटबॉल खेलते हुए अम्बेडकर स्टेडियम में और मैं विकेट कीपिंग करता था स्टेट लेवल पे खेलता था इंडिया लेवल पे खेलने का चांस मिल रहा था लाला अमरनाथ जी ने लिया होता कोचिंग कैम्प में तो झुका नहीं जा रहा था और फिर मेरे को उन डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी जो पीठ है वो ठीक नहीं होगी बीच में खेला लेकिन दर्द बहुत होता था तो बहुत दुखी हो गया मुझे लगा मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई और अब मैं कुछ नहीं कर सकता छः महीना में बेड में था और फिर एक प्ले हुआ लेडी श्री राम कॉलेज के अंदर तो वहाँ मालूम पड़ा कि एटी टू लड़कियाँ हैं एक प्ले के अंदर और आठ लड़कों की ज़रूरत है <laughs> तो अब चोट से घायल चोटिल मरता क्या ना करता मैंने सोचा वहीं चला जाऊं और कुछ अपनी लक ट्राई कर लूं लड़कियों की वजह से नहीं मैंने कहा सॉफ्ट सा है थोड़ा पास में है कॉलेज एक्टिंग वैक्टिंग कर लूँगा थोड़ी सी तो मैं उस चक्कर में बैरी जॉन के साथ ज्वाइन कर लिया और वो दिन था और आज का मैंने आज तक वो एटी लड़कियों का मेरा मतलब एक्टिंग का साथ नहीं छोड़ा उस वक्त की कुछ तस्वीरें मेरे पास में हैं आपकी ये मूछ और बड़े बड़े बाल वाली तो ये देख के कोई कह सकता था ये लड़का सुपरस्टार बन सकता है सिर्फ माँ ही कह सकती थी और तो कोई नहीं कहता <laughs> <laughs> मेरी मां कहती थी कि मैं दिलीप कुमार साहब जैसा हूं और वो मां का प्यार ही होता है <laughs> वही कह सकती है अपने बेटे के बारे में मुझे भी बिल्कुल नहीं लगता था मुझे आज भी नहीं लगता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जब मैं मेकअप करता हूं तो बड़े दिनों बाद आदत मेरी छूटी मैं आंख बंद कर लेता था कि यार ये क्या भयानक सा चेहरा है कैसा हो गया ये सिवाय ऐसा था कुछ डिंपल विम्पल ठीक थे मेरे लेकिन उसके अलावा मुझे बिल्कुल नहीं लगा बालों की काफ़ी प्रॉब्लम थी मैंने सुना हेमा मालिनी ने आपको पहला जब रोल का चांस दिया था सबसे पहले उन्होंने कहा था ये बाल कटा क्या हो कटा के नहीं सर मैं बताना चाहता हूँ एक्चुअली मेरी लक बहुत अच्छी है मुझे हेमा जी ने बुलाया था और मैं गया उनके पास तो उन्होंने कहा यूल हैव टू डू मेकअप एंड ऑल तो मैं कहा नहीं मुझे तो मेकअप मैंने कभी किया नहीं मैं तो दिल्ली का लौंडा हूँ तो मुझे मेकअप वेकअप समझ नहीं आता तो शी कोम्ड माई हेयर हर तो जब ही हेमा जी ने मेरे बाल बनाए उसी वक्त मैंने डिसाइड कर ली ये जगह तो छोड़ के नहीं जाऊँगा अब <laughs> <laughs> अब तो मुंबई में रहूँगा मैं <laughs> किसको चांस मिलता है उन्होंने मुझे फ़ोन किया फिल्म के लिए बुलाया और उन्होंने मुझसे पूछा भी डू वॉन्ट टू हेयर द स्टोरी आई सेड नो एंड शी सेड वन अदर थिंग उन्होंने कहा एक तो तुम्हारे बाल उन्होंने कॉम किए और फिर मैंने कहा आप मुझे क्यों लेना चाहती हैं तो बड़ा स्वीटली उन्होंने मुझे बोला यू हैव अ वेरी एरिस्टोक्रेटिक नोज तो उनको मेरी नाक भी, भी पसंद आई जो इतनी लंबी है बाल भी कॉम किए तो वो क्या चाहिए में और जब वो जी पी पी साहब के पास गए तो उन्होंने क्या कहा उन्होंने पहली बात मुझे देख कर मेरे को विवेक वासवानी ने जिसने मेरा करियर एक्चुअली बनाया उसने फोर्स किया फिल्मों में काम करने लेकर गए उन्होंने कहा सर मैं नया हीरो लेकर आया हूँ राजू बन गया जेंटलमैन का और वो सिंधी साहब थे सिंधी साहब बाबू थे वो तो उन्होंने बोला ओ ब्लैडी हिज हेयर इज़ लाइक अ बैर और उन्होंने कहा और उन्होंने उस दिन मैं एक्चुअली नहा धो के खंघी करके गया था तो तो बड़ी शर्मिंदगी हुई मुझको कि यार ऐसा ये तो बाल बाल का तो मैं जब अगले जब भी डायरेक्टर से मुझे राजीव विवेक मिलाते थे मुझे राजीव मेरा साहब एफ सी मेरा के बेटे जो थे जिन्होंने नेक्स्ट फिल्म की चमत्कार तो मिलाए तो मैं पहले मिलते ही कहता था हेलो राजीव मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए ऐसा दिख रहा हूँ लेकिन जब तक आप दिल वाले दुल्हनियाँ ले जाए में पहुँचे तो काफ़ी साफ सुथरे हो गए थे हाँ तब थोड़ी क्या था नहाने की आदत पड़ गई थी तो बट और शादी हो गई थी तो बीवी कहती थी ना लिया करो हफ्ते में दो बार तो ना लिया करो प्लीज़ बट <laughs> uh, सच सच बात यह है कि एक्चुअली मैंने शुरू में लव स्टोरीज़ की ही इसलिए नहीं लोगों को लगता था कि मैं कुछ अलग किस्म का एक्टर हूँ नेगेटिव रोल डर बाजीगर जो भी दिखाया आपने कि ऐसे रोल करूँगा मुझे लगा इस शक्ल के साथ मैं हीरो तो बन नहीं सकता हूँ क्योंकि सब ऐसे प्रटी लोग होते थे फिल्मों में तो काम करने वाले सुंदर खूबसूरत अच्छे बाल गोरे ऐसा पिंक पिंक चीख होते थे सबके तो मुझे लगा यार मैं हीरो नहीं बनूंगा मैं कहता हूँ मैं नेगेटिव रोल करता हूँ ऐसे थिएटर बैठ रहा हूँ लोग सीरियसली लेंगे मुझको कि सीरियस एक्टर आया ये बट uh, जब तक पाँच सात साल हो गए तो आदित्य चोपड़ा ने कहा कि यार हम एक पिक्चर बनाएंगे औजार और तेरी उसमें दाढ़ी होगी बाल बड़े होंगे मशाल जैसी पिक्चर होगी तो मैंने कहा ये सेट है पता नहीं वो कहाँ पे मशाल जो हमारी वो मशाल जैसी पिक्चर औजार दिल वाले दुल्हनिया बन गई तो उसने आगे मुझे कहानी सुनाई मैं सुनता रहा ऐसा नाड़ियाड़ वाला बंगलों में बैठा था मैं कहा यार ये क्या हो गया तो उसने कहा नहीं यार मैं रोमांटिक पिक्चर करूँगा तेरे साथ और सब ने मैं आपको सच बताऊँ और तब तक फिर नहा दिला दिया तब करण जोर आ गए उसने भी कुछ कंगी वंगी के अच्छे कपड़े दे दिए तो उन्होंने क्या किया कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे कपड़े वपड़े उन्होंने कुछ किए कुछ साफ सुथरा उन्होंने संभाल दिया मुझको दाढ़ी वाड़ी बनाई और फिर एक्चुअली आई आई वॉज़ रियली शॉकड कि मैं पाँच सात साल के बाद नाइन्टी फाइव में मैंने दिलवाली की है नॉर्मली हीरो जो है लॉन्च होते हैं लव स्टोरी के साथ सो इट वॉज़ वेरी स्ट्रेंज दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी वेन आई शुड नॉट हैव जैसा आप कह रहे हो मैं खुद ही देख के प्रेमियर पे मेरे साथ रतन जैन मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बाजीगर बनाई थी और दो चार और बहुत अच्छे दोस्त मेरे साथ टॉय दर्शन वगैरह फ्रेंड्स हैं मेरे उन्होंने पिक्चर देखी और सबने बड़ी तारी वाली बजाई और ऐसा मुझे रतन साहब ने कहा यार शाहरुख एक बातगा सुपर पिक्चर है तू नहीं होता ना इसमें तो सुपर हिट थी ये पिक्चर <laughs> तो मैंने ये भी सुना हुआ है और मैं बड़ा दुखी हो गया था बट किस्मत अच्छी थी आई थिंक आदि काजोल और अमरीश पुरी जी की वो ले गए खींच के ले गए साथ में मुझको लेकिन उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ हिट होने का कुछ कुछ होता है दिल तो पागल है तो बिल्कुल रोमांटिक हीरो की इमेज बन गई और आप जो कह रहे हैं कि शक्ल अच्छी नहीं है जनता ने उस शक्ल को बहुत पसंद किया है हाँ एक्चुअली जब यू uh, नो you know, कहते हैं अगर वो uh, uh, किस्मत निकल जाए तो फिर बस निकली पड़ती है हर चीज़ मतलब हर चीज़ एक्सेप्ट हो ही जाती है तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यार मेरी निकल पड़ी और uh, uh, इतने सालों से शायद लोग देखने लगे झेलने लगे तो शक्ल भी अब uh, होता है ना घर में अपना भी ऐसा होता है रिलेशन में कोई हो अच्छा हो कोई दोस्त वोस्त हो कोई रिश्ते में बहन भाई बीवी ऐसे प्यारे हों थोड़े दिन के अंदर सगे संबंधी अच्छे ही लगते हैं कोई बुरा नहीं लगता तो मैं मुझे लगता कुछ सगा संबंधी बन गया हैं फिल्मों की वजह से तो लोगों ने लगा ठीक है यार ये ठीक ही है फिर कुछ अच्छी चीज़ें ढूंढने लगे सो द एक्सेप्टेंस मुझको आज तक शॉकिंग है कि जब मैं कभी कभार मैं ऐसा शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ कभी कभार मेरे को सुनने में आता है कोई टीनेज लड़की हैं या छोटी हैं उन्होंने मेरी तस्वीर अपने घर पे दीवार पे लगा रखी तो मैं बहुत एम्बेस हो जाता हूँ और मैं आज भी बहुत शाही हूँ अगर मुझे बोल दे कि आई फाइंड यू वेरी स्वीट एंड ऑल तो मैं शर्मा से हूं हूँ मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है प्लीज़ बोलिए एक बार मुझे शर्मा लड़कियों की बात तो अलग है लेकिन आपकी वाइफ गौरी खान उनका इंटरव्यू में पढ़ रहा था उन्होंने आपको बताया कि आपने कौन सी ख़राब फिल्में की एक गुड्डू एक फिल्म की एक इंग्लिश बहु देसी एक शक्ति बड़ी लंबी लिस्ट उन्होंने गिनाई है सर वो क्या होता है जब आप हाँ चोटों की बात कर रहे थे तो उस दौरान मेरे सिर पे चोट लगी हुई थी <laughs> तो मैं थोड़ा सा गलतियाँ हो गई थी उस वक्त मुझसे बट ऐसी बात नहीं मैंने बड़े प्यार से की है और आ, आ, जो गुड्डू फिल्म थी उसमें तो कमाल पहले टाइम के डायरेक्टर थे वो लेकिन उनका ना बड़ा पैशन था मैं सर बताऊँ आपको लालवानी साहब थे बड़ा पैशन था उनका उन्होंने कभी फिल्म बनाई नहीं थी उसके बाद भी बनाई नहीं आज भी मेरे दोस्त हैं वो और बहुत स्वीट थे वो और वो स्पेन से थे तो मैं एक छोटा सा किस्सा बताऊंगा जब वो शूटिंग करते थे तो पहली फिल्म थी तो सबसे गलती होती है लेकिन बहुत पैशन था क्योंकि ये कहानी उनके बेटे के बारे में थी उनको बेटे के बारे में कहानी थी उसको ब्रेन टू में हो गया था जो अब ठीक ठाक है और वो भी मेरा दोस्त है और बहुत प्यारा दोस्त है तो मैं बोल सकता हूँ उनके बारे में तो वो जब नॉर्मली फ़िल्म के अंदर ऐसा होता है रोल साउंड लाइट कैमरा एक्शन और तो सीन शुरू हो जाता था तो, तो सीन के अंदर मुझे रोना है या बात करनी है कि डैडी उसमें गाना भी था बहुत कमाल का गाना था जो मेरी लाइफ का अभी मेरे दोस्त लोग दीपिका वगैरह हम शूटिंग कर रहे थे तो हंस भी रहते उसके ऊपर कि ठंडी में पसीना निके निकले ना धूप ना ना भूख ना पा प्यास लगे यार यही प्यार तो नहीं मैं कहता हूँ डैडी से पूछूंगा <laughs> तो कमाल का गाना था उसके अंदर तो वो रोल कैमरा एक्शन कुछ नहीं बोलते थे एक्शन तो सारे लोग ऐसा ऐसा भागते रहते थे और फिर आदत पड़ गई हमको कि वो बोल देंगे ऐसा तो हम करना हम करना शुरू कर देते थे तो बीच में मैं डायलॉग बोल रहा हूँ कि डैडी आप जानते नहीं हैं मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ मैं माँ से कितना प्यार करता हूँ तो वो खुद रोने लगते थे इमोशन करके और वो स्पेन के थे बेचारे बहुत स्वीट तो हमारे देश के अंदर तब फ़ॉरन की चीज़ें इतनी आराम से मुहैया नहीं थी मिलती नहीं थी कस्टम वगैरह में तकलीफ तो वो ऐसा ना पेप्सोडेंट ऐसा टूथब्रश ऐसा हर अच्छे शॉट पर वो और मैं कटगरे में ही था उस सीन के अंदर एक्चुअली जो था मैं कोर्ट कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ तो वो हर शॉट के बीच में जब मेरा डायलॉग ख़त्म भी नहीं हुआ है वो ऐसा पेप्सोडेंट ला कर देते थे कि ये लो ये लो तुमने बड़ा अच्छा काम किया बिस्किट ला कर देते थे तो बड़े प्यार से उन्होंने वो फिल्म बनाई लेकिन कहीं पर वो जमी नहीं जैसी बननी चाहिए थी लेकिन इमोशंस और जो प्यार था और जो खुशी मिली थी वो फिल्म करने में तो वो मेरे साथ है भी भी। जमी कौन सी फिल्म आपको लगा कि हाँ ये फिल्म तो जम गई मतलब करने में एज एन एक्टर बहुत खुशी हुई थी मुझको दिलवाले करने में दोस्त सब यंग थे नई तरह से कर रहे थे मेरे लिए नई बात थी क्योंकि रोमांटिक पिक्चर कर रहा था बाजीगर वो मुझे बड़ी अच्छी लगती थी उसमें वो एक डायलॉग था जो मेरा जिंदगी का फेवरेट डायलॉग है कि आ, आ, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो और आ, स्पेशली आई के बाद तो और भी अच्छा लग रहा था <laughs> और डर में मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि इट वॉज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म और ऐसा लगता नहीं था कि हिंदी फिल्म के जो हीरो हैं हालांकि अमित जी वगैरह ने परवाना वगैरह की हैं पहले फिल्में की हैं लेकिन मॉडर्न टाइम में किसी ने नेगेटिव रोल नहीं किया था और मुझे कई लोगों ने कहा था चलेगा नहीं बट इट वर्क सो बड़ी खुशी हुई चक द इंडिया आ, मुझे बहुत अच्छी लगी करते हुए माई निमिस खान अलग थी वो करने में अच्छा लगा कुछ कुछ होता है अभी शो ऑफ नहीं करना चाहता गिनाने जाऊँ तो रात भर लग जाएगी सर रहने दीजिए <laughs> <laughs> आप जनता में से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं आपकी फिल्मों के बारे में सर आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन लाइक योर न्यू मूवी इज कमिंग चेन्नई एक्सप्रेस सो इफ यू कैन जस्ट से अ डायलॉग इन तमिल Yeah. Okay. हालांकि मैं पिक्चर में टमिलियन प्ले नहीं कर रहा हूँ मैं नॉर्थ इंडियन प्ले कर रहा हूँ <laughs> लेकिन टे एक टे फिल्म के अंदर डायलॉग है जरूर मेरा जो विलन मुझको बोलते हैं और मुझे डराते हैं तो फिर आखिर में मैं वही डायलॉग यूज करता हूँ डायलॉग है उई रोडे वंदनी उन्दनी पिड़वे एक्चुअली this, uh, this uh, ये आपकी अदालत का स्लोगन बन सकता है तुम यहाँ पर आए तो एक हिस्से एक पीस में हो लेकिन यहाँ से तुम्हें हम पीस पीस करके पार्सलों में भेजें थैंक यू सर अभी शुरुआत है धीरे धीरे गर्मी पड़ेगी आप बिल्कुल फिक्र मत करें सर मुझे आप पर पूरा भरोसा है <laughs> हम एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में शाहरुख खान पर जनता के इल्जाम और सवाल का एक और आपके गर्म मिजाज की और भी फहरिस्त कटरीना कैफ ने <laughs> <laughs> <मुझे पाँगे थी>। <laughs> <laughs> कहा कि जब वो जब तक है जान का पहला शॉट दे रही थी तो उन्होंने आपकी तरफ जल्दी बोलो ना मुझे डर लगने लगता है कि अब किसने क्या कह दिया वेलकम बैक आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं सुपरस्टार शाहरुख खान पर आपकी अदालत में अगला हिस्सा। आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर आरोप है कि ये कभी नरम तो कभी गरम हो जाते हैं शाहरुख एक जमाना था आपके साथ जो लोग काम करते थे जूही चावला काजोल रानी करण आदित्य सब लोग सब कहते थे हमने शाहरुख को कभी गुस्सा होते नहीं देखा शाहरुख के पास सिर्फ विट है ये सिर्फ लोगों को हंसाता है और अब मैंने आपकी वाइफ का एक स्टेटमेंट देखा वो आपसे कह रही हैं शाहरुख यू लूज योर टेंपर वेरी ऑफन वो अपनी बात कर रही है उस पर उस गुस्सा होता हूँ इन चार पांच लोगों पे कभी गुस्सा नहीं हुआ बीवी पे तो सब गुस्सा होते हैं आप भी करते होंगे थोड़ा बहुत गुस्सा <स्थाथ> <थाथ। स्थाथ> तो सर मतलब आप तो आप, तो आप आप, गीता पे कसम रखकर हाथ रखकर कसम खाइए कि आप कभी गुस्सा नहीं होते नहीं नहीं मैं किसी पर कसम नहीं खाऊंगा लेकिन तो फिर तो मालूम पड़ गया दाल में कुछ काला है फिर तो मान लो गया ये सवाल आपसे पूछा गया था आपसे पूछा था कि हाउ डिड योअर वाइफ गौरी रियक्ट टू दीडेंट दैट नाइट ये वो रात है और उसके बाद आपने कहा कि वंस आई वॉज बैक होम जैसे मैं घर पहुंचा उन्होंने कहा डोंट लूज योर टेम्पर लाइक दैट यू लूज इट टू ऑफ ऐसा मुझे काफी ये आपस की बात नहीं थी पब्लिक की बात ये मुझे मालूम नहीं था उसने कभी ये पब्लिक स्टेटमेंट कर दिया तो ये तो क्या हो गया ना मेरे घर तले मतलब आस्तीन के सांप तैयार हो गए मेरे बीवी और बच्चे <laughs> पहले ही जो है प्रेस वाले इतनी बातें पता कर लेते हैं और बीवी बताने लग गई बट आ... लेकिन ये बात तो सही है कि सत्रह मई को वानखेड़े स्टेडियम में काफ़ी गुस्सा कर दिया था हमें बहुत गुस्सा हो गया था मैं बहुत नाराज़ हो गया था और मुझे इसकी बहुत शर्मिंदगी भी है क्योंकि मेरे बच्चे थे वहाँ पर और मुझे ऐसा लगा था जब मैं गुस्सा हो रहा था उन्होंने ऐसा थोड़ी बहुत अब जो बातें हैं ऊपर नीचे हो चुकी हैं टीवी शोज भी बहुत बन चुके हैं उसके बारे में लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ किसी ने थोड़ी सी बदतमीजी नहीं उनका रूल होगा कि हटाओ यहाँ से फिर मैंने उनको ऐसा प्यार से ऐसा बोला कि अरे अरे बच्चे हमारे हैं यार हम लेके जा रहे हैं इतना ही बोला तो वहाँ एक इंसान थे जिन्होंने कुछ थोड़ा सा ऐसा शब्द यूज़ किया जो मुझे हिंदी दिल्ली वाला होने के हिसाब से गाली लगा और हालांकि वो मराठी के अंदर भी थोड़ी बदतमीजी की बात है थोड़ी सी मतलब रिलीज़स ऐसा कुछ गलत था वो तो मुझे किसी ने बताया तो मैं फिर पागल हो गया और मैं उनको मारने के लिए गया मार सका नहीं मैं उनको क्योंकि मुझे वहाँ जो थे वो पुलिस वाले बोलते रहे कि अगर आपने मार दिया ना तो जेल कर दूंगा आपको तो मैं सिर्फ ऐसा एक्टिंग करता रहा कि मारूंगा ना मार ऐसा 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 तो, हम हम दिल्ली में हमने बहुत सीखा था जग, अगर फाइट हो जाए और आउट नंबर हो जाओ तो जो साथ में खड़ा हो ना उसको बस ऐसे छोड़ यार तू यार तू छोड़ यार छोड़ तो ऐसा मैंने क्या बहुत सारे लोग थे वहाँ पे तो उसमें मैं थोड़ा डरावरा दिया उसको लेकिन बड़ी शर्मनाक बात थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और आपकी अदालत में ही नहीं आ, मैंने घर में भी सुबह बुला के सबसे माफ़ी मांगी एक चीज़ की कि अब मैं ऐसा इंसान हो गया हूँ शायद मेरी हरकतें देख लोगों पर असर पड़ सकता है तो ऐसी बुरी हरकत नहीं करनी चाहिए थी मुझे लगता नहीं मैंने गलत बात की एज अ फ़ादर एज अ पर्सन हु इज़ वेरी सेक्युलर उस तरह से मैंने लिहाज से गलत बात नहीं कि मुझे लगता है कि जो बच्चे थे चालीस बच्चे और थे वहाँ पर जिनको मैं मैच देखने ले गया था उस लिहाज से और टी वी पर आने के लिहाज से वो गलत था तो मैं जज साहब और सारे देश से और आपसे मैं आप लोगों से भी माफ़ी मांगता हूँ उस बिहेवियर के लिए उसके बाद मैंने डिसाइड किया है कि कभी मुझे ऐसा गुस्सा आएगा तो बाथरूम वाथरूम में कमरा बंद करके मारूंगा और बदतमीज़ी करूंगा पब्लिकली नहीं करूंगा इतना मुझे आप अलाउ कर दें और आ, मैं जब मैं जब घर आया तो मेरी बीवी नहीं, नहीं मेरे बच्चों ने भी थोड़ा मुझे डांटा कि ये बड़ा ही इल मैनर्ड था मतलब मेरे बेटे को मैंने कहा बट यू नो यू सो वॉट हैपन एंड माई सन पापा बट इट वॉज टू मच यू डेंट मैंने अपनी बेटी से कहा बट सुहाना ही वॉज पुशिंग यू एंड यू सो दैट ही सेट या बट इट वॉज सो मच दैट यू हैड टू गेट सो एंग्री यू आर अ बिग स्टार यू शुड बिहेव योर सेल्फ तो मैं कोई भी शर्मिंदगी उसी वही मुझे बहुत uh, मैं जज साहब आपसे दरख्वास्त करूँगा ये आउट ऑफ ऑर्डनरी बात है कि इसकी पनिशमेंट मुझे मेरी फैमिली और बच्चों ने दे दी है शर्मिंदा करके तो इस वाले हाँ इसको थोड़ा सा नजरअंदाज कर दीजिएगा दी ये वाले केस को सॉरी अच्छा चलिए इसको दरकिनार कर दीजिए वो फरा के हस्बैंड शेरिश कुंदर को जो आपने थप्पड़ मारा था अब वो क्या है <laughs> <laughs> ये वही टाइम है जब मैंने फिल्म गुड्डू इंग्लिश बाबू देसी मैम वगैरह साइन किया था सर से लगा <laughs> वही टाइम है जब आप सलमान के साथ पाई की थी आता के घर ऐसा ना मुझे लगता है ऐसा ना मैं पहले मानता नहीं था फिर इंडिया टी वी मैंने बहुत सारे शोज देखे जिसके ऊपर ना वो बताई जाती है जब उल्टी दशा चलती है ऐसा राहू आता है ऐसा वो मैं पहले मानता नहीं था मैंने एक दो बार फोन भी किया इंडिया टीवी के लोगों के नहीं यार ऐसा नहीं होता यार ये तो उसी बातें हैं ये तो साइंटिफिक नहीं है लेकिन मेरी कुछ चल रही थी उस वक्त उल्टी दशा राहु केतु तब से आज मैं जब भी आपके वो प्रोग्राम आते हैं उनको बहुत ध्यान से देखता हूँ और मैं ये समझ के रखता हूँ कि यार देखो ये हो सकता है और कभी कुछ झगड़ा झगड़ा हो जाए तो सीधा इंडिया टीवी पर ब्लेम कर देना कि ये राहू कहते हुई दशा खराब थी भैया मुझे माफ कर दो तो मुझे लग रहा है कुछ उल्टी दशा चल रही थी मेरी उस वक्त चलिए यहाँ आपकी उल्टी दशा चल रही होगी बात समझ में आती है जब अमेरिका गए और आपकी तलाशी हुई तो वहां भी कुछ दशा उल्टी नहीं वहां मैंने कुछ नहीं किया सर वहाँ में जो करना था उन्हों किया। उन्होंने किया उन्होंने कहा सर मैं वहाँ पर खड़ा रहा उन्होंने बस कपड़े नहीं उतारे बाकी जो कुछ करना था उन्होंने किया और मैं चुपचाप से रहा उसमें एक एक्चुअली मालूम बात बात पता चल गई है मेरी अमेरिकन एम्बेसी के बेचारे लोग भी आए उन्होंने भी बड़ी माफ़ी भी मांगी मुझसे और आ, कहा कि अब ये नहीं होगा दूसरी बार ये क्या फिर हुआ फिर उन्होंने माफ़ी मांगी वो हर बार हो रहा है तो मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों हो रहा है एक कुछ ऐसे शख्स हैं जो टेररिस्ट हैं ऐसा उनको कहा जाता है तो वो एक एलियस यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं उसको हिंदी मेंफ़ उर्फ उर्फ उर्फ, उर्फ यूज़ करते हैं तो शायद वो फ़ैन है या पता नहीं मैंने उनसे बातचीत की नहीं कभी ना करना चाहूँगा लेकिन वो उनका जो उर्फ़ है वो शाहरुख खान है तो जब भी मेरा नाम डालते हैं वो लोग भी इंडियन लोग भी नाइजीरियन लोग भी अमेरिकन लोग भी जो पहचानते हैं मुझको ऑटोग्राफ भी लेते हैं मेरी उस वक्त लेकिन नाम डालते हैं फिर ऐसा देखते हैं और उनका एक लुक आता है उनके फेस पे कि वन मिनट सर वो जब ऐसा वन मिनट कहते हैं तो मुझे मालूम है गया तो चार पाँच घंटा गया ये तो <laughs> फिर वो बैग भी खोल देते हैं सब कुछ खोल देते हैं और बेचारे सॉरी कहते रहते हैं बहुत प्यार से ऐसा नहीं कोई बदतमीजी करते हैं पहले बार ही मेरे को लगा कि यार तुम जानते हो मैं कौन हूँ तुम्हें पता है तो ये बोल रहे हैं हाँ सर हम जानते हैं लेकिन आप नहीं जानते कि आपके नाम का दूसरा वाला कौन है तो वो उस चक्कर के अंदर जब तक गया तो वो नाम बदल लें या मैं बदल लूँ ये प्रॉब्लम है या तो वो टेरेस अपना नाम बदल ले तो अब लेकिन आप गुस्सा नहीं आता कम से नहीं नहीं वहाँ बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ सर हमें अमेरिका के अंदर मैं बिल्कुल गुस्सा नहीं करता हूँ ऐसे लंबे चौड़े आदमी होते हैं कभी कुछ <laughs> करते हैं मैं कुछ नहीं वो एक तो एक तो एक ने तो, 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 तो बड़ी तरह स्टैंड स्ट्रेट डोंट टॉक ऑन टीवी इज अ टूप ऐसा मैं सच बता रहा हूँ मैं तो मैं उसने मुझे बोला मैं सर आप प्लीज़ उन मैं उनको भी अगर वो देख रहे हो प्रोग्राम और समझ रहे हो तो मैं माफ़ी माँ मजाक नहीं उड़ाऊँ सर आपका कहीं फिर मिल जाए अगली बार मैं वहाँ पर उन्होंने मुझे कहा कि आ, बड़ा प्यार से पूछा उसने बड़े जेंटल से आदमी थे लंबे चौड़े थे ऐसे और बहुत टफ थे तो उन्होंने मुझसे पूछा आपके पास कोई नंबर है जिसे हम फ़ोन कर सकते हैं तो मैं कहा हाँ अमेरिका में बहुत दोस्त हैं मेरे फॉक्स टीवी वाले बेचारे जिम मेरे दोस्त हैं माइकल लिंटन दो चार बड़े अच्छे दोस्त थे मैंने ऐसे नाम सोचे जो इमप्रेस करें तो मैंने ऐसा वो ऐसा वाला फ़ोन होता था नोकिया का तो मैंने कहा जी जी तो मैं एक नंबर ढूंढने के लिए मैंने ऐसा खोला अब कोई आपसे टेलीफोन नंबर पूछे तो दिमाग में थोड़ा रहता तो ये तो मैं नॉर्मल हरकत की मैंने ऐसा किया वो ऐसा फोन <laughs> तो मैं ऐसा गया फोन वो रखे मैं कहा सर ये थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं ऐसा ऑफ बीट नंबर लंडन का अमेरिका का प्लस वन नाइन वन टू सेवन थ्री फोर ये तो मैंने मेरे मैं को अपना टेलीफोन नंबर भूल गया आपके चिल्लाने से तो नाम मैं फोन में अगर नहीं देख सकता हूँ तो जेल ही कर दो तो चार पाँच घंटे उन्होंने मुझको काफ़ी तलाशी वलाशी ली फिर उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने फ़ोन किया और हमारे वो शुक्ला साहब ने उनको मैं सब जगह फ़ोन लगा दिया मैंने कहा मुझे बचा लो दोस्तों को ऐसा साइन किया मैंने किया ऐसा सब किया तो फिर लोगों ने बचाया मुझे निकाला वहाँ से बट वो नाम के चक्कर में मैं फंसा हूँ हमेशा अब आपको समझ में आ गया कि क्या होता है अब मुझे मालूम है अब मैं जाके उनको बोल देता हूँ कि मैं वो वाला नहीं हूँ लेकिन आपको लगेगा मैं वो वाला हूँ तो आप जो वो वाले के साथ एक्चुअली करते वो मेरे साथ मत कीजिएगा वो कीजिए जो ये वाले के साथ करना चाहिए लेकिन मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं मान लेता हूँ उसको आपके गर्म मिजाज की और भी फेरिस मेरे पास ना पाऊ पड़ना वहां के मुझे माफ कर दीजिए चलिए मैं छोड़ देता हूँ प्लीज अच्छी अच्छी बातें कीजिए मैं आपको अच्छी बात बता देता हूँ <laughs> कटरीना कैफ ने कहा कि जब वो जब तक ये जान का पहला शॉट दे रही थी तो उन्होंने आपकी तरफ रुक रुक के क्यों बोल रहे हो? जल्दी बोलो ना मुझे डर लगने लगता है कि अब किसने क्या कह दिया उन्होंने कहा कि शाहरुख मुझे इतने अच्छे लगे कि मैं अपना डायलॉग भूल गई उनकी पसंद अच्छी है और वो 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 खूबसूरती को निहारना जानती हैं समझती हैं और इस इस अच्छाई के लिए मैं ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि अब अमेरिकन इमिग्रेशन ऑफिस में उनको जॉब दिला दूँ कि जब अगली बार वहाँ पर जाऊँ तो वो हो होंगे कि कितना अच्छा है इसको जाने दो कुछ काम आ जाए वो नहीं ये उनका प्यार है ये उनका बहुत स्वीट है वो एक्चुअली उन्होंने मुझे भी बोला कि मैं पहली बार जब ऐसा ये नहीं कि मैं अच्छा लग रहा था मेरा बहुत लंबा डायलॉग था और मैं ऐसा चर्च का सीन है आखिरी वाला तो मैं उनको बोलना बोलता आना है और उनको एक पार्ट में आठ दस लाइन के बाद बोलना है कुछ मुझे तो बस ऐसे करके देखती नहीं ऐसे करके और बहुत प्यार से और आ, आ, फिर मैंने हम सब चुप रहे कि क्या हुआ मेरा लंबा डायलॉग तो बोलें तो आगे बोलो तो उन्हें कहा एम सो सॉरी आई गॉट सो कैरिड अवे इन द वे दैट यू आर एक्टिंग इसलिए उन्होंने ऐसा कहा तो ये मेरी एक्टिंग का कमाल जलवा uh, है और स्टाइल है जो ऑडियंस है कभी कभी एकदम हो होकर एकदम चुप होकर स्तब्ध होकर देख लेती है कोई इसके अंदर कोई ऐसी उल्टी सीधी बात नहीं है सर एक्टिंग का जलवा तो हमने देखा कि जो इंडिया चाइना बॉर्डर है उस पर तीन चाइनीज पकड़े गए उनके सिपाही थे उनके सैनिक थे 18 से 23 साल की उम्र के होंगे उनसे पूछा कि तुम क्यों आ रहे थे इंडिया तो उन्होंने कहा हम शाहरुख खान को मिलना चाहते हैं मतलब ये जो अगर अगर इसके अंदर कोई आ, इंट्रा बॉर्डर इंटर बॉर्डर अटैक वटैक की बात है तो आप नहीं बताएंगे ना ये प्यार के लिए आ रहे थे उन्होंने कहा कि हम शाहरुख खान की फिल्में देखते हैं और जो वो चाइनीज़ में टूटी फूटी कह सकते थे और आ, हम बहुत बड़े फ़ैन हैं शाहरुख खान के और इंडियन आर्मी को अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्यों आए थे शाहरुख खान से मिलने <laughs> मुझे भी अजीब लग रहा है मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा क्या हो सकता है क्योंकि मेरी भी चाइनीज़ इतनी अच्छी है नहीं मतलब मैं बात बात कर सकता हूँ दो चार लड़कियों से तो हाँ यहाँ अरे हाँ, हाँ इतने मुझे आती है चाइनीज़ जिसका मतलब मुझे आज तक नहीं समझाया ना उनको समझ आता लेकिन कितनी अच्छी बात है ना कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि कटरीना कैफ तो कटरीना कैफ चीनी लोग भी मुझे प्यार कर रहे हैं तो अच्छा ही लगता है तो ये तो अच्छी बात है और मुझे बहुत बट आई एम रियली सॉरी अगर बॉर्डर पे कुछ हलचल हो गई हो मेरी वजह से तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अच्छे वाले शाहरुख हैं यही बने रहें ये जो नाराज़ वाले शाहरुख हैं ये ना हों नहीं बिल्कुल नहीं और इससे क्या होगा इंडो चाइना रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो जाएंगे <laughs> <laughs> तो फॉर द सेक ऑफ इंडो चाइना रिलेशनशिप्स मैं अच्छा ही रहूँगा मैं वादा करता हूँ आपकी अदालत में आज के बाद मैं कभी भी अपना जो है गुस्सा उसको मैं लूज़ नहीं होने दूंगा छोड़ूंगा नहीं कभी मुझे गुस्सा आएगा तो मैं आपको फ़ोन करके और जज साहब आपसे पूछ के मैं बोल दूंगा गुस्सा आ रहा है कोई अच्छी सी चाइना वाली बात बता दीजिए मुझे फिर से या कटरीना कैफ वाली बात बता दीजिए तो अगर इससे आप गुस्सा करना छोड़ देते हैं तो ये वाला इल्ज़ाम मैं अपना वापस ले लेता हूँ प्लीज़ प्लीज़ थैंक यू वेरी मच थैंक यू वेरी मच हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में शाहरुख खान पर इल्जाम और सवाल का एक और दौर। लेकिन ये जो 16 जुलाई 2008 को सलमान से जो तकरार हुई अब हम आई थिंक मेच्योर हो गए हैं बड़े हो गए हैं और अपनी जगह पे का दिन है चेन्नई एक्सप्रेस देखने के लिए बुला लीजिए नहीं बैक आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं सुपरस्टार शाहरुख खान आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर इल्जाम है कि ये दूसरे स्टार से टकराते हैं अब शाहरुख साहब ये जो मोहब्बतें में टकराव था अमिताभ बच्चन से मैंने सुना कि बाद में वो असली ज़िंदगी में भी, भी टकराव बन गया नहीं नहीं सर मैं कहाँ पे मैं तो टकराव तो पेट पे जाके कर लगेगा मेरा तो <laughs> लंबे वो कहाँ पहुँच भी नहीं सकता वहाँ तक तो मैं और कोई टकराव नहीं था कभी कभार क्या होता है और ये सच बात है कभी कभार रिश्ते हमारे खट्टे हो जाते हैं खटास पड़ जाती है क्योंकि हम लोग कान के कच्चे हो जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में हैं इसिक्योर हैं तो ऊपर नीचे इधर की बात उधर की बात कहीं लिखा जाता है पढ़ा जाता है तो कभी कभार एक ऑडिटी हो जाती है एक्चुअली उन लोगों में जिनमें थोड़ी आँख की शर्म है मैसेज बताऊँ नॉर्मली लोग क्या करते फोन उठा के बोल देते हैं भाई क्या यार ये मैंने पढ़ा यार तूने कैसे बोल दिया यार ऐसा कैसा हो सकता है वॉट यू थिंक ऐसा होता है बट आई थिंक अमित जी बहुत ही सुलझे हुए जेंटलमैन है और पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं मतलब इज़ इज इज़ एन आईकॉन एंड फॉर मी समन आई लुक अप टू ह्यूजली फ्रॉम चाइल्ड हुड और मैं भी थोड़ा सा आँख के शर्म वाला हूँ तो कहीं पर एक दो बातें कहीं बड़ी लिखी गई हुआ हम दोनों ने आ, शायद ये नहीं किया कि फ़ोन उठा के मेरी मेरी हैसियत नहीं थी Uh, उनकी शायद यू नो ही जस्ट कि यार चलो चुरैन दो अभी क्या अगर लिखा भी गया तो सो so कहीं ना कहीं पे उस चक्कर के अंदर एक दो महीने के लिए थोड़ी तकलीफ हो गई थी मीडिया वाइज बट फिर एक दिन हम मिले और घर में हम कोई एक पार्टी पे या कोई एक फंक्शन के अंदर उनकी फिल्म देखने के मैं ब्लैक तो बातचीत हुई गले लगाया तो सारा गिले शिक्पे ख़त्म हो गई उस समय पूरी मैगजीन्स में कवर स्टोरीज आ गई थी ये देखिए शहनशाह वर्से बादशाह अरे क्या ये दूसरे टीवी चैनल्स की मैगजीन दिखा रहे आप और उन्होंने लिखा कि चूंकि शाहरुख खान सोनिया गांधी के करीब हैं और अमिताभ बच्चन उनसे नाराज रहते हैं तो इन दोनों में टकराव हो रहा है ये, इन्होंने लिखा ये इन्होंने लिखा रही। ये फिर उन्होंने ये भी लिखा कि शाहरुख खान मुकेश अम्बानी के दोस्त हैं अमिताभ बच्चन अनिल अम्बानी के दोस्त हैं तो दोनों आपस में इन्होंने ये भी लिखा कि बहुत <laughs> लंबा छोड़ा लिखा इन्होंने हाँ शाहरुख शाहरुख खान ने कौन बनेगा करोड़पति किया जैसा अमित जी ने किया था तो टकराव है और डॉन डॉन भी की थी मैंने वो भूल गया लिखना डॉन <laughs> भी की थी मैंने डॉन उस वक्त आई नहीं थी अच्छा उस वक्त नहीं आई थी लेकिन मैं भी काफी बदतमीज बदतमीजू छोड़ा नहीं मैंने वो भी करी दी <laughs> मैंने लिखा नहीं तो क्या हुआ कर तो तू नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है सचमुच मतलब जेनुनली ऐसा उन्होंने कहा कि वो जो कभी खुशी गम में जो आंखों में बगावत थी विद्रोह था वो असली जिंदगी में था कि इस शहनशाह को हटा के मुझे बादशाह बनना है यार। और कुछ लिखा है कि मैं बोलना शुरू करूँगा आप बोलिए नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था आई थिंक थोड़ा सा लोगों को अच्छा भी लगता है कि आ, स्टार लोगों के बीच में बातचीत हो कभी फिल्म करें गॉसिप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हेडलाइन उससे कभी कभी बात बढ़ जाती है अब इतनी बड़ी मैगजीन के कवर पे आया है जिसको हम हमेशा सच ही मानते हैं तो कहीं ना कहीं पे उस बात के अंदर कुछ आ, सच्चाई ज़रूर रही होगी इन टर्म्स ऑफ हाउ पीपल व टॉकिंग बट पर्सनली कभी भी ऐसा नहीं हुआ है मतलब आ, आ, मैं जब मैं जो आपको बात बता रहा हूँ जब हमारी बातचीत हुई उसके बाद सो मैं तो वैसे ही जैसा उनकी इज्जत करता हूँ मैं कहा सर कैसे हैं आप तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि भाई सब ठीक है तुम कैसे हो तो वैसे तो मैंने कहा कि नहीं वैसे मैं ठीक ठाक हूँ थोड़ा सा ऐसा अरे यार छोड़ मैं यार ये सब तो होता रहेगा एंड वी जस्ट हड बी चर आई टच इज़ फील एंड आई सेड यू नो इफ आई हैव सेड इन मिस्टेक हेयरिंग थिंग्स लाइक दिस आई एम रियली सॉरी इज नहीं यार कोई सॉरी वॉरी का नहीं है तो होता रहेगा फिल्म इंडस्ट्री में है फेमस है हम लोग तो लोग लिखते ही रहेंगे कोई बात नहीं सो आई थिंक इट जस्ट मेट दैट वन डे ऑफ टॉक और उसके बाद हमने फिर काम भी किया है टेलीविजन uh, पे मतलब इन इन टर्म्स ऑफ उनका KBC के के ऊपर मैं Uh, जो उनकी राइटफुल कुर्सी है जो मैं आप कह रहे हैं छीन ली थी मैंने तो मैं चला गया उस शो पे और मैंने शो भी किया है दूसरी साइड बैठ के और कोई कोशिश नहीं की इस बार छीनने की मैंने और uh, हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यार हैं अभी मेरी चोट लगी तो घर आए बेचारे वो चार घंटा बैठे बातचीत की रात को आए एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू विजिट मी सो दर इज़ नो खटास और रिलेशनशिप uh, में कोई प्रॉब्लम चलिए बड़ी अच्छी बात है कि उनके और आपके दोनों फैंस हैं वो खुश होंगे ये जान करके लेकिन आपने उनके दोस्त अमर सिंह हैं उनके बारे में स्टेज पे खड़े होकर कह दिया था कि आपकी आंखों में मुझे दरिंदगी नज़र आती है <laughs> <laughs> मेरा यार मैं मजाक कर रहा था मेरा ना कभी कभी जो मजाक है वो लोग समझते नहीं उस वक्त तो वो भी हंसे थे अब मैं कह सकता हूँ हम ऐसे मजाक ऐसा मैं एक, एक शो कर रहा था उसमें हमारे साथ एक लेडीज थी जो एक लेडी थी जो बिकिनी पहनी हुई थी और मैं ऐसा कुछ एक आई डोंट नो क्या आइटम में जोक कर रहा था तो सामने ही बैठे हुए थे और मैं तो दोस्त समझ के क्योंकि मेरे दोस्त ही हैं वो वो भी घर आते हैं हम बैठ के बातचीत करते हैं बहुत जोक करते हैं शायद पब्लिक प्लेस में नहीं करना चाहिए था तो मैंने उनको ऐसा देखा तो वो ऐसा करके देख रहे थे वो मुझको ही देख रहे थे लेकिन मैंने जोक में ऐसा कह दिया था कि सर इनको देख के आपकी आंखों में मुझे थोड़ी सी उस वक्त वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आया तो मैंने शायद दरंदगी कह दिया और एक दो बातें और भी हो गई थी उसके बाद कुछ उन्होंने कुछ कह दिया मैंने कुछ कह दिया लेकिन अभी सब कुछ सुलझ गया है तो अब मुझे बताने की जरूरत अगर ना बताएं तो सुलझा रहेगा बता देंगे तो फिर शुरू हो जाएगा ये जब सुलझ गया तुश आमिर ख़ान से झगड़ा शुरू हो गया अब मैं आपको बताता हूँ कि आमिर ने क्या कहा आमिर ने कहा कि मैं इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूँ मैंने कभी किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया लेकिन कुछ साल से मैंने गौर किया कि शाहरुख लगातार मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहते जा रहे हैं और इसके बाद मैंने शाहरुख को जवाब देना शुरू किया और शाहरुख इसका बुरा मान गए नहीं मैंने तो कोई बुरा माना ही नहीं मैं तो ये माना कि यार वो जवाब इतने अच्छे नहीं थे जितने मेरे थे <laughs> <laughs> मैं तो वो मैं तो मैं तो क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम थी मुझे <laughs> नहीं बट यू नो या इट हैपन एक दो जगह एक्चुअली ये जो अवार्ड फंक्शन में मैं जब जोक करता हूँ मुझे लगा कि नॉर्मली मैं अमूमन लोगों को बोल देता हूँ जो भी स्टार्स हैं विनोद चोपड़ा थे डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस को भी बोलता हूँ विद्या बालन कई बार मैंने किया है और बोल के किया है कि मैं ऐसा बोलूँगा आपके बारे में आप बुरा तो नहीं मानेंगे तो मैं नाइन्टी लोगों से बोल देता हूँ पहले ही और अगर कहीं लगे मुझे खलल हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा मैं बहुत तो फंक्शन में जाती भी नहीं अभी तो प्रॉब्लम हो गई अगर आया करते हो तो पूछ लेता आए नहीं थे वो तो मैंने कहा आते ही नहीं इनको पता नहीं चलेगा बोल दो बर... <laughs> <laughs> मुझे मैं मजाक कर सकता हूँ वो दोस्त है मेरे मुझे क्या पता था कि आते नहीं है देखते हैं दो टी वी पर देख लेते हैं उसको तो एक दो जगह मैंने कह दिया और मुझे ऐसा लगा कि इट विल बी टेकन एज अ जोक मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा है और मुझ पर कोई अगर ऐसा जोक कसे तो मैं आई टेक इट मुझे कॉमेडी शोज वगैरह अच्छे लगते हैं तो उन्होंने जब ये जोक कसा कि मैंने एक कुत्ता पाला है जिसका नाम शाहरुख है हाँ ये थोड़ा सा मतलब ज़्यादा अच्छा जोक मुझे लगा नहीं मुझे इत, मुझे इतना फनी लगा नहीं तो मैं मैं थोड़ा सा ऐसा ऐसा सुन के थोड़ा कुत्ता टाइप हो गया मैं मैं एक बार तो काट ही लो ऐसी बात कर रहे हैं तो पर तो इसलिए आपने आप काफी कुछ कहा नहीं मैंने कुछ नहीं कहा उसके बाद नहीं, नहीं। एक बार उन्होंने ये आप ऐसे मत कीजिए अच्छा, आपकी आपने जो कहा वो भी मेरे पास में है ये पहले कहा होगा साहब नहीं जब आमिर ने कई बातें आपके बारे में कह दी तो आपने कहा कि मैं शहर से बाहर था जब मैं शहर में नहीं था और जब शेर जंगल से बाहर होता है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं समटाइम्स आई फील कुछ ज्यादा बोल दिया अब मैं आ गया हूं देखता हूं कौन बोलता है जी उनके बारे में नहीं बोला <laughs> ये मैंने उनके बारे में नहीं बोला था ये मैंने किसी और के बारे में बोला था <laughs> लेकिन वो, आप वो आपको वो... अगर पता नहीं है तो बताऊंगा नहीं मैं उसके <laughs> बारे में <laughs> बट हाँ मैंने बोला था लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था मैं कई बार ज्यादा ऐसा मैं चले जाता हूँ थोड़े दिन के लिए ना आउटडोर ये बड़ा चक्कर है आउटडोर की पिक्चर इसलिए करता नहीं मैं पीछे दो चार दिन के लिए बाहर निकलो ना तो लोग ऐसा बोलने बोले लग जाते हैं तो मैं सही बात भी है ना अभी तो आ... और फिर इसी से बातें निकलती हैं फिर कहते हैं कि चूँकि आमिर ने सिक्स पैक एब्स बनाए तो शाहरुख ने भी अपनी फिर बॉडी बनाई मेरे तो पहले थे यार बता दो इनको ऐसा <laughs> तो नहीं मेरे तो मेरे तो एक डेढ़ साल पहले थे मेरे तो दर्द डिस्को में ही आ गए थे <laughs> आमिर के बारे में आपने जो कुछ कहा वो मजाक था और उन्होंने जो मजाक किया वो आपको पसंद नहीं आया नहीं, नहीं नहीं फिर एक दिन नहीं एक बार बड़, एक बड़े स्वीट बात मैं बोलना चाहूँगा एक्चुअली इस बारे में ये सीरियसली बोलना चाहूँगा कि आ, आ, जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने भी इस हिसाब से नहीं कही थी जिस हिसाब से वो सब टी वगैरह पर आ गई तो एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया बड़ी सच्ची बात है मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने एक नया घर लिया था पंचमरी पंचगनी में शायद और वहाँ के जो केयरटेकर थे उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख ही रखा हुआ था उन्होंने नहीं रखा था प्यार से वो मेरे फैन थे ऐसा 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 भी झेलना पड़ता है सुपरस्टार्स स्टार्स यार हमारा बच्चा नहीं हो रहा है बेटी हो गई कुत्ते का नाम रख देते हैं शाहरुख यार बहुत प्यार है उससे तो उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शायद शाहरुख या ऐसा कुछ रखा हुआ था तो आमिर ने जब वो घर लिया तो वो विरासत में आया वो जो कुत्ता था जो डॉग थे जिसका नाम शाहरुख था तो उन्होंने ऐसा कहीं बोला कि यार मेरे साथ बैठा हुआ ये स्वीट सा शाहरुख और मैं इसको किस कर रहा हूँ या बिस्किट नहीं, नहीं। उन्होंने ब्लॉग में लिखा कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूँ और शाहरुख मेरे पाँव चाट रहा है मैं उसे बिस्किट रहा, रहा, हूं। और हाँ। और वो और मेरे पैर चाट रहा है <laughs> अब क्या करूं बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं मुझको बट एक्चुअली फिर वो मेरे घर आए और बहुत स्वीटली उन्होंने कहा कि यार ये मुझे लगता है जो मैंने बात इवन मजाक में भी कही हो डबल मीनिंग भी हो या इसका मायने गलत हो गया हो ये उनकी ये उनका बड़प्पन है कि मुझे लगता है यार कि तेरे बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी तो मैं तुमसे तो बाद में माफ़ी मांगूंगा या सॉरी कहूंगा या सॉर्ट आउट करूंगा आई वॉन्ट टू टॉक टू आन एंड सोहान एन एक्सप्लेन टू दैन दैट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड आई वुड हैव नॉट सेड इट एंड इवन इफ आई डिड इट ये निकल गया uh, मेरे इसके मायने नहीं थे एंड आई डेंट मीन इट तो वो उन्होंने बहुत बड़ा पन दिखाया और वो बात वहीं रिजॉल्व हो गई थी घर तो खुदाए थे तो आई तो ये दो लोगों से तो आपने बता दिया रिजॉल्व हो गया नहीं थोड़ा रिजॉल्व नहीं हो बिस्किट मैं अब नहीं खाता हूँ बिस्किट खाने छोड़ दिया मैंने उसके बाद लेकिन ये जो 16 जुलाई 2008 को सलमान से जो तकरार हुआ ये शायद अभी तक नहीं सुलझी है नहीं एक्चुअली क्या है मैं आपको बताऊं। ये दो चार जगहों पे कभी कभी जो बातें होती हैं ना प्यार जो आदमियों लोगों में प्यार होता है तकरार उन्हीं में होता है और हमारा बहुत गहरा रिश्ता है रिश्ता था हम जब शुरुआत में मैं हमेशा ये बोलता हूँ और मैं ज़िंदगी भर यही बात कहता रहूँगा Uh, मैंने इस शो पे शायद पहली बार बहुत साल हो गए इसलिए अब कह रहा हूँ uh, उनकी जो फैमिली है सलीम अंकल uh, सलमान आंटी एवरी उनके जो भाई हैं उनके जो भाइयों की बीवियाँ हैं उनकी बहनें सब बहुत इज़्ज़त और प्यार है बहुत दोस्ती है हमारी लेकिन एक कई बारी मर्दों में एक बात हो जाती है यू you नो know, एक वो मर्दों में एक झड़प हो जाती है कि क्या यार तू यार छोड़ना यार क्या यार छोड़ना उस लेवल पे हमारा एक किस्सा है और कहीं ना कहीं पर उसको हम रिजॉल्व कर सकते थे दोस्त हमारे बेचारे आमिर ने भी आके कोशिश की सब लोगों ने और फैमिली वाले हमारे भी उनके घर आते हैं हम भी उनके घर जाते हैं आपस में हम दोनों ज़्यादा बातचीत नहीं करते क्योंकि इतना वक़ा निकल गया कि हम दोनों ऐसी ऐसी जगहों पर चले गए हैं कि वो अपनी ज़िंदगी जी रहा है और मुझे उसकी ज़िंदगी में खुशी व अच्छा रहे उसे भी ऐसा लगता है मेरे बारे में और अच्छी बातें ही सोचते हैं हम ना कभी आप कभी उनसे मिल लें या प्राइवेट में भी बात करें तो कभी ना उनके मुंह से कोई लफ्ज़ ऐसा निकलेगा मेरे लिए बुरा ना मेरे मुंह से उनके लिए कभी लफ्ज़ निकलेगा बुरा और हाल ही में हम एक इफ्तार पार्टी पे मिले थे एंड आई थिंक

अभी हम कुछ बात ही नहीं करते हैं लेकिन एक दूसरे के लिए कभी ना बुरा सोचते हैं ना सोचेंगे ना कभी सोचा है ये ये सच्ची बात है हमारा बहुत उस लेवल पे बहुत प्यार है लेकिन एक बात ये भी सही है कि जब भी आप किसी इवेंट में होते थे तो उनका मजाक उड़ाना नहीं भूलते थे नॉट रियली really, actually... सैफ के साथ आपने मजाक किया कभी आप और रणबीर ने किया नहीं वो हमारा थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर है हम दोनों ही करते हैं वो वो हमारी है एक मर्दों वाली बात वो कर लेते हैं वो झेल भी लेते हैं उसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती है बिकॉज हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर है उतना हम दोनों को मालूम है हम कह सकते हैं कर सकते हैं उसमें कोई बद अखलाक या बदतमीजी नहीं मुझे नहीं लगता ना उसको लगता है ये मुझे मालूम है तो आपको बताई दीजिए ना कौन से वाले हैं इतना आप तड़प रहे हो तो यार <laughs> जो एक सैफ अली खान के साथ था जिसमें आपने दबंग का मजाक उड़ाया था एक प्रियंका चोपड़ा के साथ मिलकर बॉडी गार्ड का आपने मजाक उड़ाया नहीं नहीं वो मैं वो जो पांच सुपरहिट फिल्में हैं प्लीज वो सारे दोनों में दोनों वो जी वाला था अवार्ड फंक्शन और दूसरा फिल्म फेयर था उसमें पांच जो फिल्में नॉमिनेट हुई हैं जो जीतने वाली हैं जो बेस्ट फिल्में हैं साल की उनका हम स्पूफ बनाते हैं तो उस आ, आ, उ, उ, उसके दौरान हमने किया होगा लेकिन इंडिविजुअली नहीं किया था उसमें बाकी भी मैंने रोहित की पिक्चर का भी बनाया था उसमें सिंगम भी थी नॉमिनेटेड उस साल दबंग थी और सेफ के साथ भी जो चार फार बॉडी गार्ड या कुछ होगी तो उनका हम एक स्पूफ बनाते हैं तो वो जेनेरिक था वो स्पेसिफिक नहीं था नहीं लेकिन अब जब तकरार चल रही हो और फिर मजाक उड़ाएं तो कुछ ज्यादा फिर ऐसा है भी लोग कहेंगे कि यार देखो पांच फिल्में थी इन्होंने चार का दिखाया उसका दिखाया नहीं क्योंकि तकरार चल रही है इनकी यार <laughs> ने काट दिया इसके, ऐसा भी बोलेंगे लेकिन ये ठसक बनी रहे कि मैं नहीं झुकूंगा ये एक्चुअली ना उसके बियॉन्ड जा चुकी है ये अब झुकने उकने वाली बात नहीं रही है एक डेढ़ साल रही होगी कि छोड़ना यार मैं नहीं यार वो पहले बोले वो बोले बोले ऐसा होगा लेकिन अब हम आई थिंक इतने मेच्योर हो गए हैं आ, बड़े हो गए हैं और अपनी जगह पे का दिन है चेन्नई एक्सप्रेस देखने के लिए बुला लीजिए नहीं, <laughs> नहीं आ, आ, मतलब ईद के दिन तो मैं भी चेन्नई एक्सप्रेस नहीं देख रहा हूँ ईद मना रहा हूँ <laughs> और आ, बट एक्चुअली यस मोस्ट सर्टनली अगर आ, हमारे घर में ईद का फंक्शन हुआ या उनके घर में ईद का फंक्शन हुआ तो न्योता दोनों तरफ से ही आता है हो जाएगा एक दिन एक दिन कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी जगह पर हम लोग और मेच्योर हो जाएंगे आ, अभी काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं और भी हो जाएंगे इन और सब ठीक ठाक हो जाएगा जो उनके फैंस हैं और आपके फैंस हैं वो ये जानकर बहुत खुश होंगे नहीं एक्चुअली आई डेली ऑनेस्टली मुझे मुझे उनकी बहुत रिस्पेक्ट है नॉट ओनली एज अ फ्रेंड एज अ फैमिली जिन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा जब मैं शुरुआत में आया एज अ स्टार एज एन एक्टर सीनियर है <laughs>

उन सब ने हाँ कह दिया था काम का दिव्या भारती जी तो मेरा एक वो बन गया रूल कि मैं आज तक अपनी फिल्म के अंदर हीरोइन सजेस्ट नहीं करता हूँ डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ही चूज़ करते हैं कभी कभार अफकोर्स वो मुझे बोलते हैं हम इनके बारे में सोच रहे हैं इज देर एनी थिंग एल्स यूड लाइक टू सजेस्ट तो मैं कहता तो हूँ नहीं नहीं अगर अच्छी हैं और काम करना चाहती हैं आज तक मेरी जो सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स भी हैं हीरोइंस मैंने आज तक उनको ये नहीं कहा कि यार अगली फिल्म तुम कर रहे हो डायरेक्टर को ना पता हो डायरेक्टर ने मुझे बोला हो तो मैं उनको आ, मतलब बताता हूँ कि यार वो फारा जो हैं तुम्हें लेना चाहती हैं या आ, रोहित मुझे कह रहे थे तुमसे काम करना चाहते हैं फ़ोन करेंगे बट आई सर ना यू देट यूर अ प्रोड्यूसर तो आपका मेरे बारे में क्या सोचना है? <laughs> मैंने <laughs> मुझे एनक पहननी पड़ेगी पहले तो दूर की मैंने तुम्हें शुरू में ही बोला सरवत कि आज तक मैंने नहीं किया आज के बाद मैं करना शुरू करता इतने आपको प्रॉब्लम्स हैं उसके बाद भी आप अपनी शूटिंग इतने अच्छे तरीके से करते हैं और अभी तक मतलब जो छोटे बच्चे उनके दिल पे भी अब छाए हुए हैं खासकर कर लड़कियाँ तो सर ये आप सारी चीज़ें कैसे करते हैं मैनेज कैसे करते आ, मुझे मेरा काम बहुत अच्छा लगता है मुझे सिर्फ इसी चीज़ से प्यार है कि मैं सुबह उठकर काम करना शुरू करूं। सो मुझे काम नहीं लगता थकान नहीं होती और मुझे खुशी होती कि छोटी छोटी लड़कियाँ बड़े बड़े लड़के अधेड़ उम्र की आंटियाँ मुझे पसंद करती रहें मैं स्माइल करता रहूं, वो खुश हो जाए मैं कभी भी आता हूँ कहीं सड़क पे होता हूँ तो अभी मैं आ रहा था एक ओल्ड लेडी ने मुझे ऐसा हक़ किया मेरे बेटे हो तुम मेरे बेटे हो मुझे बहुत खुशी होती है और उसको पाने के लिए मुझको दिन में दस बारह घंटे काम करना पड़े तो मुझे लगता है बहुत छोटी कीमत है

दिलीप साहब ने दिलीप कुमार जी उन्होंने एक बार मुझे कहा कि शाहरुख मुझे इतना अच्छा लगता है अगर मेरा बेटा होता तो शाहरुख जैसा होता याद yeah, और मुझे वो बहुत प्यार करते हैं सायरा जी भी और जब भी मैं सायरा जी से मिलता हूँ तो वो मेरे बाल ऐसे यूँ हिलाती हैं तो आ, हमेशा मुझे अजीब सा लगता था ऐसा आशीर्वाद नहीं ऐसा हिलाती हैं वो सो शी से सन आई वुड डू दिस टू हिम एवरी टाइम एंड यू रिमाइंड मी ऑफ माई इफ इफ़ यू हैड अ सन तो मैं उनके बेटे की तरह ही हूँ और हमेशा जाता हूँ एंड इट्स टू मच लव दे गिव मी और uh, और इसलिए नहीं कि मैं एक्टिंग करता हूँ या मेरी माँ समझती थी कि मैं दिलीप साहब जैसा लगता हूँ आई थिंक दै जस्ट अ वंडरफुल एंड ब्यूटिफुल कपल और मैं खुशकस्मत हूँ देखिए कहाँ जब आपने बताया मैं दिल्ली से गया अठारह साल पहले कहाँ ऐसा सोचा था तो वो खुशी मिलती है एक सरोगेट फैमिली सी लगती है तो यही जो प्यार है uh, मुझे लगता है इसको बढ़ाता रहूँ और नॉट ओनली फ्रॉम पीपल जो फिल्म इंडस्ट्री में बाहर के लोग भी मिलते हैं इतना ही प्यार करते हैं सो so, एक और हम ले ले और काफी है सवाल आपका <laughs> करण जौहर को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई आपके करण जौहर के बारे में मतलब आप कौन सी वाली रूमर की बात कर रहे हैं वो रूमर जिसके बारे में कहते हैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है इसमें कुछ सच्चाई नहीं है अगर होगी भी तो यहां धोना बताऊंगा वेलकम बैक आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं शाहरुख खान पर आपकी अदालत में अगला एग्जाम आपकी अदालत में सुपरस्टार शाहरुख खान पर आरोप है कि ये खबरों में बने रहने के लिए विवादों को हवा देते हैं जितनी कॉन्ट्रोवर्सी होती है उनके जड़ में जाता हूं तो पता लगता है आपने ही उसके अंदर आग डाली है और लोग कहते हैं कि ये बॉक्स ऑफिस की किंग है कॉन्ट्रोवर्सीज के भी किंग है अब मैंने सुना कि लंदन में आपने कहा कि वन डज हैव टू तो बिकम ए लेजेंड तो कॉन्ट्रोवर्सीज तो क्रिएट करनी पड़ती है नहीं अब मैं क्या दूँ ऐसे ही सब लोग बोलते रहते हैं मुझको तो मैंने कोई स्मार्ट जवाब ही दे दूँ मैं कि <laughs> यार अगर लेजेंड बनना है तो कॉन्ट्रोवर्सीज चाहिए एक्चुअली क्या है कि मैं कॉन्ट्रोवर्सीज करता नहीं हूँ मगर मुझको कभी आ, मेरे जो दोस्त भी हैं और सब मुझे बोलते हैं कभी मैं कोई गलत बात सुन लेता हूँ जो मुझे लगता है ऐसी छिछोरी है घटिया है तो मैं चुप नहीं बैठता हूँ तो क्या होता है एक्चुअली uh, एक सिचुएशन में आके इंसान को चुप हो जाना चाहिए कि यार ये लोग तो बोल रहे हैं इनको बोल रहे हैं तो चुप रहोगे तो कुछ होगा नहीं बट मैं क्या है उसको फ्यूल कर देता हूँ या मैं उसको थोड़ी सी और इम्पोर्टेंस देता हूँ बाई सेंग यार ये पागल है यार इसने कैसा बोल दिया ये बिल्कुल गलत बोल रहा है इसकी नॉन सेंस आई टेक अ स्टैंड समटाइम्स कई बार आई थिंक ऐसी पब्लिक फिगर होने में ऐसा होना चाहिए कि स्टैंड नहीं लेना चाहिए अब मुझे ऐसा लगता है मैं हर रोज़ अपने आप को प्रॉमिस करता हूँ लेकिन कभी भी कुछ गलत बात सुनता हूँ अपड़ता की बात सुनता हूँ ऐसा इरीटेटिंग बात सुनता हूँ कि यार ऐसा नहीं है तो मैं स्टैंड ले लेता हूँ उससे थोड़ा तकलीफ बढ़ जाती है लेकिन आपने पहले बात कही थी मैं फ्यूल कर देता हूँ कॉन्ट्रोवर्सीज को जैसे करण जौहर को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई आपके करण जौहर के बारे में कई कई तरह की बातें कही गई जब आप उनको इंटरव्यू देते हैं या उनके साथ स्टेज पर होते हैं तो आप ही उसमें थोड़ी सी माचिस दिखा देते हैं नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया मतलब आप कौन सी वाली रूमर की बात कर रहे हैं बोल दीजिए फैमिली शो भी है तो क्या है चलेगा <laughs> वो रूमर जिसके बारे में कहते हैं इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है और आप खुद स्टेज पर जाकर इस तरह की बातें करते हैं या इस तरह मतलब, के मजाक करते हैं हाँ तो मतलब अगर कोई चीज़ जब सच नहीं होती जैसे मैं आपको बोलूँ सॉरी मैं ऐसा फिजिकल जोक नहीं कर रहा हूँ लेकिन अगर किसी का वेट कम है कोई जो है पतले हैं तो आ, उनके ऊपर मैं कोई पतले होने का जोक नहीं कसूँगा क्योंकि उनको दुख हो सकता है लेकिन अगर कोई पतले नहीं हैं या नाटे नहीं हैं या लंबे नहीं हैं ज़्यादा या जैसा भी एक जो फन एक लेवल बनाया जाता है अगर मैं उस आदमी पर वो जोक कसूँ तो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा सो so, हमारे को ऐसे जोक करने का कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि हमारा आ, हम उसको मजाक बना चुके हैं कि यार ये लोग ऐसा बोलते हैं हम खुद इसको मजाक समझते हैं तो so, उसको हम उसको लाइटर वेन में लेके उसको हमने बिकॉज ही इज़ ऑल्सो गॉट अ सेंस ऑफ ह्यूमर और हम लोगों को ऐसा सोचना ही बड़ा अजीब लगता है ऑकवर्ड लगता है सो आई थिंक वन वी मेक फन ऑफ इट पीपल विल अंडरस्टैंड इट्स अ जोक एंड इट इज़ नॉट टू बी टेकन सीरियसली लेकिन आपको नहीं लगता कि जब मज़ाक करते हैं तो लोग उसके अंदर और, और ज़्यादा उसको कुछ समझने लगते हैं अब हर किसी की समझ तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते जिसको ये समझ कर एक्साइटमेंट होती है उनको भी मजे कर लेना तो थोड़े दिन के लिए तो इसमें कुछ सच्चाई नहीं है अगर होगी भी तो यहाँ थोड़ा बताऊंगा <laughs> मतलब अभी इतना तो बेवकूफ नहीं हूं <laughs> और ना ही इतना सच्चा हूं क्यों <laughs> जब आप ऐसे जवाब देते हैं तो, तो प्रॉब्लम होती <laughs> है मैं गीता पर कसम रखकर खाता हूं और सीता पर भी और नीता पर भी कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है और जो मैंने उसके बाद बोला वो सिर्फ मजाक था और उसको मजाक ही लीजिएगा जो बाकी बोला है वो बिल्कुल सच था अब हो गया ये नहीं पता चल रहा कि कौन सा सच था और कौन सा मजाक था <laughs> तो आप बोलिए सर क्या करूं मैं फांसी दे दीजिए साहब मुझको <laughs> <laughs> पब्लिक से पूछते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू सेव यू सर थैंक यू क्वेश्चन टू यू इज एक बार दीपिका मैम ने कहा था, she was only 18 when she saw DDLJ. हाउ डू यू फील अबाउट इट आठ नौ साल की थी हाउ डू यू फील अबाउट इट अच्छा ही लगता है कि बचपन से उनकी चॉइस अच्छी थी <laughs>

तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां so आपने सारे जॉनर के पिक्चर किए सिर्फ हॉरर को छोड़ के क्या आपका कभी हॉरर में इंटरेस्ट होगा या कोई आपको प्रोजेक्ट करेंगे जो हॉरर हो <laughs> मुझे मुझे खुद थोड़ा सा हॉरर से डर लगता है और हॉरर पिक्चरों में ना मैंने नोट किया है कि हीरो कितना भी शुरुआत में अच्छा हो एंड तक वो पहुंचते पहुंचते कुछ टेढ़ा बिंगा हो जाता है ऐसा मेरे को यार ये मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मैं सुलझा रहा हूँ तब रहूँ मैंने कभी हॉरर फिल्म खुद इंजॉय नहीं की है वो ना ऐसा कुछ होता नहीं है उसमें तो बस खड़े खड़े एकदम आता है ऐसा चुपचाप से दरवाजा खुल ठक करके ऐसा वो कुछ होता होता है नहीं ऐसा वो सिर विर घूमता रहता है तो मैंने आज तक सोचा नहीं और हिंदी फिल्म में इतनी बनती नहीं है हॉरर अभी मैंने कुछ एक देखी थी कोई आई थी डायन ऐसा कुछ करके तो यार मैं तो खुद ही डर जाता हूँ मेरी बेटी दिखाती रहती है मुझको लेकिन मैं उसके साथ रजाई में बैठ के छुप तो के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं देख नहीं सकता तो काम कैसे करूँगा सो आई डोंट थिंक मैं कोई हॉर फिल्म के अंदर काम करूंगा बट अब तुम कह रही हो तो मैं ध्यान में जरूर रखूंगा कि प्रदीप जी ने बोला है हॉरर पिक्चर करो तो मैं सोच के रखूंगा अगर चांस मिला तो थैंक यू सर और कुछ ऐसी पिक्चरें हैं मैंने इतनी बुनी बुराई हैं वो हॉरर होती नहीं है लेकिन लगती काफ़ी हॉररफुल है वो शाहरुख सर हमें पता लगा कि आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी आया है आपको नहीं पूरे देश को पता चल गया बीबीसी <laughs> तक खबर पहुंच गई सर आपने अपने बेबी का नाम अब्राम रखा है सर मुझे जानना है कि अब्राम का मीनिंग क्या है और भी आपने बताया कि अपने बच्चे के साथ आप बैठ करके टाइम स्पेंड किया क्या आप जो आपके घर में न्यू बॉर्न बेबी आया है क्या आप उसके साथ भी टाइम स्पेंड करते हैं पहले तो बताओ हज़रत इब्राहिम हमारे फर्स्ट प्रॉफिट माने जाते हैं इस्लाम में और उनका नाम इब्राहिम है अरबिक में और इब्राहम है इन इन द बाइबल आई थिंक एंड इट इज़ अब्राम इन जोश कॉनोटेशन नाम एक ही है और मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरी वाइफ हिंदू हैं और मैं मुस्लिम हूँ और हमने हमारे बच्चों को हमारे घर के अंदर जो बड़ा एक सेक्युलर सा फीलिंग है कई लोगों को ये बात पसंद नहीं आती है समझ नहीं आती है कॉन्ट्रोवर्सी भी हो जाती बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारे घर में हमारे देश जैसा सेक्युलरजम है सो so, जब अबराम है विच मीन्स uh, हजरत इब्राहिम का एक कॉनोटेसन और राम की अबराम है सो आई थिंक दैट्स हिंदू कॉनोटेशन सो आई फाउंड इट वेरी लिरिकल थोड़ा सा मैं नाम जो रखता हूँ अपने बच्चों के मैंने जब भी रखा है बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ दिमाग में रखा है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्यन है वो कोई एक डिनर जगह पे बैठा हुआ है बड़ी खूबसूरत लड़की के साथ ये मैंने तब सोचा था जब वो डेढ़ दिन का था <coughs> और वो मोटरसाइकिल पे आया लेदर की जैकेट पहन के और वो लकड़ी की आ, 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 प्लेट में से कुछ खा रहा है और एक बड़ी खूबसूरत लड़की उससे पूछती है कि हाय तुम्हारा नाम क्या है तो वो बोलता है आर्यन और पीछे से म्यूज़िक आता है तो मैंने ये नाम भी ऐसे ही सोचा है कि जब वो बोलेगा किसको अभी मैंने सोचा नहीं वो लड़की से मिलेगा कि नहीं लेकिन अबराम का एक म्यूज़िक है अबराम डुडुम टुम 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 थोड़ा लगता है बैकग्राउंड अच्छा है उसमें एंड uh, मैं अभी उसके साथ अनफॉर्चुनेटली वक्त नहीं गुजार सकता uh, वो प्रेमेचोर पैदा हुआ जिसकी वजह से लोगों ने समझा नहीं और ये सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह की नॉनसेंस बातें शुरू की uh, लेकिन uh, अभी उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है तो उसको लोगों से मिलना ज़रूरी मतलब uh, ऐसा है कि ज़्यादा मिल नहीं सकते उससे इन्फेक्शन के लिए सो so, अभी वो uh, थोड़ा सा uh, क्या कहते हैं उसको प्रोटेक्टेड सी जगह में है और uh, uh, माशाला अभी डेढ़ महीने में उसकी हर रोज़ जो है तबीयत बेहतर हो रही और वो uh, महीने के अंदर डॉक्टर्स कहते हैं कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा दुरुस्त हो जाएगा और फिर इन साथ वक्त गुजारूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा थोड़ा सा घर में एटमॉस्फेयर खुशी का आता जा रहा है क्योंकि वो ठीक होता जा रहा है बट ही वॉज़ वेरी स्मॉल एंड फ्रेमेच एंड इट वॉज रिटिल सैड टाइम फॉर अस बट होपफुली हीट सून आप दुआ कीजिएगा और थैंक की <laughs> यू <laughs> शाहरुख हम सब लोग दुआ करेंगे छोटे से अब्राम के लिए वो जल्दी ठीक हो जाए आप उनके साथ खेल सकें उनको लोगों को दिखा सकें और लगता है कि पूरे देश की दुआएं हैं और मेरे भी इल्ज़ाम अब ख़त्म हो रहे हैं और आपने हर इल्ज़ाम का बड़े आ, मुस्कुरा करके जवाब दिया एक दो में कन्फ्यूज़ किया है मैंने आपको मैंने तो आपको हर चीज़ में कन्फ्यूज़ किया है okay. <laughs> लेकिन ये फैसला जस्ता पर छोड़ते हैं हम एक ब्रेक रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज का फैसला शाहरुख खान के मुकदमे इट्स इट्स प्लेजेंट इस इस यहां पे आओ रजत साहब इतना डांटते वाटते हैं तो जब भी मुझे दुख हो रहा था मैं आपके चेहरों को देखकर खुश हो रहा था <laughs> तो थैंक यू रजत साहब वेलकम बैक आज हमने मुकदमा चलाया सुपरस्टार शाहरुख खान पर हमने शाहरुख से पूछा उनके कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में उनकी निजी जिंदगी के बारे में हमने उनसे पूछा उनकी फिल्मों के बारे में शाहरुख खान ने हर सवाल का बेबाकी जवाब दिया अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज पुष्पेश पंत के फैसले का अदालत ने बड़े गौर से मुलजिम के बयानों को सुना और तमाम पेश किए सबूतों को ध्यान से देखा एक इल्जाम है कि कामयाबी के लिए शाहरुख कुछ भी कर सकते हैं मुझे लगता है जिस तरह की पुश्तैनी बादशाह के सपने देखते हमारे नेता एक साजिश कर रहे हैं उनके मद्दनज़र किसी कलाकार का कामयाबी का सपना देखना बिल्कुल ही एक ऐसी चीज़ है जिसको अपराध नहीं कहा जा सकता है दूसरा इल्ज़ाम इन पर है कि बदन की टूट फूट और सर की चोट के बावजूद ये नाचते फाँदते रहते हैं कूदते रहते हैं मगर मुझे लगता है जब तक शाहरुख की रीढ़ की हड्डी सलामत है तब तक हम लोगों को बहुत सरदार पालने की ज़रूरत इस मामले में नहीं है दूसरों को खुश रहने के लिए अगर आदमी अपने दर्द को छुपा के मुस्कुराने की कोशिश करता रहता है तो उसे अपराध कतई नहीं समझा जा सकता है कुछ गलतियां जो शाहरुख ने की हैं उनसे हुई हैं कभी आपा खोकर कभी गुस्से में कभी नाजारी में कभी सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से और जिसके बारे में वो भरोसा दिलाते हैं कि उनको इस तरह की हरकतों को दोहराने वाले नहीं हैं तो उनको अदालत दरकिनार करती है और इसलिए महज सुनी सुनाई और अफवाहों को दरकिनार कर अदालत शाहरुख खान को बरी करती है <laughs> कुछ कहना चाहते हैं आप इस फैसले पर नहीं जैसा बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे uh, बायत बरी कर दिया हाँ नहीं नहीं मेरे को तो बहुत बड़ी वॉरट आए लेकिन मैं भागता रहा लेकिन अब मैं आया हूँ अपनी सफाइयाँ लेकर सो थैंक यू वेरी मच थैंक यू यंग लेडीज मुझे मालूम नहीं आप यहाँ पर क्या कर रही हैं लेकिन बड़ा खूबसूरत है <laughs> तो बहुत अच्छा लग रहा है इट्स इट्स प्लेजेंट इस इस यहाँ पे आओ रजत साहब इतना डांटते वाँटते हैं तो जब भी मुझे दुख हो रहा था मैं आपके चेहरों को देखकर खुश हो रहा था तो थैंक यू रजत साहब एंड ऑडियंस मैं बैठ जाऊँ इस हाँ हाँ मैं मालूम नहीं कुछ कॉन्ट्रोवर्सी हो जाए जज साहब के सामने बैठ जाऊँ <laughs> तो आ, मैं थोड़ा सा ऐसा हिल सा गया हूँ आजकल के इधर जाता हूँ हर चीज़ पूछ पूछ के करता हूँ फूक फूक के पग धरता हूँ मैं अब तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ फर्स्ट कि इतनी देर तक इतनी पेशेंस के साथ आप यहाँ पर अदालत में बैठे रहे और सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैं करा है मैंने सच्चे दिल से किया है आ, आप लोगों को खुश करने के लिए किया है और कभी कभार जिस काम की वजह से आ, मुझे टेंशन हो जाती है मैं आप तक नहीं पहुँचने देता हूँ लेकिन ऊपर नीचे उन्नीस बीस मैं कोई उल्टी सीधी हरकत कर दूँ तो अपना समझ माफ़ कर, माफ कर दीजिएगा फिल्में मैं वैसे ही बनाऊँगा जो सारी फ़ैमिली को अच्छी लगें जो आपको खुशी खुशी पहुँचाती रहें और जहाँ पर भी आपको लगेगा कि मैंने कुछ गलत काम किया है तो मैंने रजा साहब को कह दिया है, मुझे यहाँ पे बुलाएं और जेल में डाल दें और uh, सिर्फ uh, अदालत से एक ही दरखास्त है मेरी कि जब जेल में बुलाएं तो सामने वाली जेल में इन दोनों लेडीज़ को रख दीजिएगा कि थोड़ी बहुत मुझे uh, अच्छाई मिलती रहे बट थैंक यू वेरी मच फ्राम द बॉटम ऑफ माई हार्ट इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल फीलिंग टू कम एंड मीट पीपल हु लव यू सो मच थैंक यू वेरी मच यू थैंक और हम उम्मीद करते हैं कि शाहरुख खान इसी तरह जनता को एंटरटेन करते रहेंगे फिल्में बनाते रहेंगे और सुपरस्टार बने रहेंगे और नई नई बुलंदियों पर पहुंचते रहेंगे इन शुभकामनाओं के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ तब तक के लिए